ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः, ओम सूर्याय नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा आप लोगों के लिए कोरोना के ऊपर कुछ सीरियल वाइज वीडियो बनाऊंगा, जो 3-4 वीडियो में होंगी। आपके जैसे जैसे लोगों ने बोला, हमारे मित्र हैं या हमारे फॉलोअर्स हैं ये हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कि आप इस पे कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, तो मेरा यही उनसे कहना है कि देखिए, हमको सबको पता है हमारे देश में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ होती हैं, कैसे क्या यूज करना है, फिर भी लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो मैं इसको बताऊँगा क्या करना है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको मूलभूत सिद्धांत बताऊँगा, किसी भी बीमारी या वायरल हो या कुछ, उसको रोकने का तरीका, हम कैसे प्रयोग करें जड़ी बूटियों को। कहने को सब कह देंगे तो उसका खा लेने से नहीं होने वाला कुछ भी है। कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे नियमों का पालन करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। किन किन जड़ी बूटियों का शामिल करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर मैं आपको सीरियल वाइज 3-4 वीडियो में बताऊंगा, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपको इस पे फ़ायदा होगा। आपको जैसे पता है कि हम औषधीय पौधों पर काम कर रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों के घरों में लगवा रहे हैं, सब गमलों में औषधीय पौधे होने चाहिए। अब आपने देखा, जब कोरोना आया तो लोग इस समय अड़ूसा, तुलसी, लेमन ग्रास, गिलोय सब ढूंढते फिर रहे हैं। तो ये देखिए, लगा कोई नहीं रहा है, काट सब रहे हैं, तो एक दिन ये विलुप्त हो जाएगा। गिलोय भी जो आज हमें मिल जाती है पेड़ों पर, अभी रात भी न्यूज में देख रहा था तो अच्छे अच्छे वर्ल्ड प्रसिद्ध, देश के प्रसिद्ध लोग बोल रहे हैं गिलोय पेड़ों से उतारो और खाओ। अरे भाई, क्या तुमने लगाया जो उससे उतारोगे, पहले प्रकृति का दोहन कर चुके हो, कितना करोगे। लगाने के लिए किसी के हाथ काम नहीं करते हैं। ये कहने का मतलब है कि अधिकतर लोग नहीं लगाते, ये नहीं कि कोई भी नहीं लगाता है, बहुत से लोग लगा रहे हैं, उनका सम्मान है, स्वागत है, और उन्हीं लोगों से हमारी प्रकृति का संतुलन बना हुआ है, जो पंचतत्व का संतुलन है। तो आप इनका सेवन करिए, प्रकृति ने आपको दे रखा है, आप इसका उपयोग करिए, लेकिन दुरुपयोग मत करिए, और इसका संरक्षण जरूर करिएगा और ज़रूर लगाइएगा। आज मैं गिलोय को इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी हमारे यहाँ वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन या वायरल कोई भी बीमारी आती है, बुखार, सर्दी, जुखाम, हम इम्यूनिटी पावर की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर कोई वैद्याचार्य, आयुर्वेदाचार्य या हमारे वैद्यराज लोग जी, या जो हमारे बड़े बड़े आयुर्वेद के ठेकेदार हैं, जो कंपनियां चलाते हैं, उनका सीधे संपर्क यही रहता है कि आप इस जड़ी बूटी को खाओ, इस जड़ी बूटी को खाओ। तो खाइए, लेकिन लगाएगा कौन, ये कहने वाला बहुत कम लोग हैं, लगाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अभी मैंने ये निरगुंडी की टहनियाँ भी इतनी रखी हैं, जो कि आज संडे है और इसको आज शाम तक ये सब लग जाएगा। ये बरसात में हमारा पेड़ गिर गया था, तो हमने इसमें क्या करा कि इसकी टहनियाँ, जो पत्ते थे नरम और छाल, उसको रख लिया, और इसको हमने रखा, ये सब गाँव में बांटेंगे और नदियों किनारे लगाएंगे, और ये सूखती नहीं है, 4-5 दिन तक ऐसे भी पड़ी रहेगी तो फिर भी उग जाती है। और ये किस काम में आती है मैं बताऊँगा। ये जितने भी देखिए क्या बोलते हैं, हमारे जो वायरस बैक्टीरिया जिन्हें जितने भी रोग हैं सब में काम करती है, और यहाँ तक कि टिटनेस को भी नहीं होने देती है। ऐसे ऐसे हमारे पास जड़ी बूटियाँ, लेकिन हमें पता नहीं है। ये देखिए, तुलसी हमारी नहीं सूखी, यहाँ पे सारे पौधे सब आयुर्वेदिक पौधे हैं। और मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा है कि आप इसका सेल करिए, ये मेरे अपने मित्र या जो जानने वाले हैं, जिन लोगों को नहीं मिलता है, जो वास्तव में करते हैं, उनके लिए भेजा जाता है, उनसे कुरियर चार्ज या मिनिमम शुल्क हम लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ये तो काम भी ख़त्म हो जाएगा, हमें भी बाहर दूर दूर तक जाना पड़ता है। और पूरे इंडिया में हमारा संपर्क है, और पूरे भारत में हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारे महाराष्ट्र से लेकर के जम्मू कश्मीर तक में वैद्य मित्र हैं, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश हैं, हिमाचल है, अपना उत्तराखंड तो पूरा है। तो उन लोगों से, ऐसे जो जड़ी बूटियों की जानकार हैं, उनसे हम संपर्क करते हैं, और गुरु शिष्य परम्पर ज्ञान के अंतर्गत हम अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, और लोगों को साथ ही साथ ज्ञान दे रहे हैं, और उन लोगों से ज्ञान को बढ़ा करके इन जड़ी बूटियों का उपयोग और इनका महत्व समझा रहे हैं, जिससे इनका संरक्षण हो सके। अकेले बिधारा के 20 पेड़ मैंने पूरे इंडिया में पिछले साल, मतलब 2019 में भेजे हैं, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया और सबके यहाँ हुआ है। तो देखिए, 20 पेड़ से अब 2000 पेड़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक साल लगेगा, 2-3 हज़ार पेड़ हो जाएंगे और सब उसका प्रयोग करेंगे। तो ऐसी बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनका प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। तो हमारा दोहन करने से ज़्यादा संरक्षण पे काम होना चाहिए। गमलों में हमारे सब मेडिसिनल प्लांट होने चाहिए। कैक्टस और विदेशी प्लांट जो यूजलेस है, उनको निकाल के फेंकिए और उनकी जगह ये सब चीज़ें भरिए। हमारे यहाँ भी देखिए ये सब, जैसे मैंने देखा तुलसी है, और इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो वजन कम करने के लिए लोग ले रहे हैं, और साथ ही सिलफोड़ी, जो
कि पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, हिमालय क्षेत्रों में, वहाँ से मंगाई गई है। बाकी ये कामनी ओमनी सब जो कि जंगल में हो जाता है, लेकिन हमने इसको क्यों रखा है, क्योंकि लोग जो भी आते हैं हम उनको समझाते हैं कि ये पौधा आप लगाइए तो इससे फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से हमारे पे तेज़पत्ता, दालचीनी, सारे मसाले और जितने औषधीय पौधे हैं, तुलसी, मरुआ, काली तुलसी, सफ़ेद तुलसी और हल्दी, काली हल्दी, लाल हल्दी, सफ़ेद हल्दी, आमा हल्दी, इन सब के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और डायरेक्ट संपर्क के जो लोग घर पे आते हैं कुछ इलाज पूछने तो उनको बता देते हैं, तो उसके भी उन्हें बताते हैं कि पौधे आप लगाइए और लगा रहे हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि हम शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे किसी बीमारी से लड़ सकते हैं, और दुनिया की वो दो महा औषधियाँ जिनके अंतर्गत हम किसी भी रोग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अगली वीडियो में जस्ट मैं भी इसके बाद ही बताऊँगा। तब तक आप लोग अगली वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।